स्टैंडर्डाइज टेस्ट डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी मैारी इम्तहान या टेस्ट के बारे में बात करनी है पहले इसको डिफाइन करते हैं हम एन असेसमेंट दैट इज एडमिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर यानी ऐसा टेस्ट और जिसको एडमिस्टर uh, किया जाए और उसको उसका स्कोरिंग की जाए एक कंसिस्टेंट तरीके से फॉलोइंग प्री डिटर्मेंट गाइडलाइंस पहले से तयशुदा गाइडलाइंस को फॉलो करें एंड प्रोसीजर्स को और डिज़ाइन टू मैयर द परसनस नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज़ तो पर्सन किसी भी शख्स के नॉलेज और एबिलिटीज़ को मैया करे और प्रोवाइड आ स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव कम्पेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टि फ़राहम करें और परफॉर्मेंस का कम्पेरिजन दें और एक इंडिविजुअल और ग्रुप्स इनफरादी तौर पर और ग्रुप्स के दरम्यान तो ये एक आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहे हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट है बेंच मार्क असमेंट है एंड ऑफ कोर्स असमेंट है सबमेटिव असमेंट है और कॉमन फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट ये स्टैंडर्डाइज टेस्टों की टाइप्स हो सकती हैं पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या परपज़ है इसका कम्पेरिजन एंड रैंकिंग यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिहाज से उनकी रैंकिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एडमिशनस कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशनस के लिए करिकुलम और प्रोग्राम एवेल्यूशन के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग डेटा की बेस पर ये एक साइंटसी टेक्निक है जिसकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की जाती है और स्टैंडर्डाइज प्ले प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन तो स्टूडेंट्स की या तलबा की स्टैंडर्डाइज प्लेसमेंट और उनकी सर्टिफिकेशन और रिसर्च और वैलिटी स्टडीज़ तो वैलिटी स्टडीज़ करना रिसर्च करना और इंटरनेशनल कंपैरिजन बैमामी टेस्ट्स या बैवानी कंपैरिजन लीज़ा और पीज़ा नाम के जो टेस्ट हैं ये बैमामी तौर तो पर आज़माए जा रहे हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इसके करैक्ट्रस्टिक्स क्या हैं पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीजर होना चाहिए यानी एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग का निज़ाम होना चाहिए प्री डिटर्मिन कॉन्टेंट एंड स्ट्रक्चर तो इसका जो कॉन्टेंट है वो और स्ट्रक्चर है पहले से तयशुदा होना चाहिए और उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और इंटरपटेशन वो भी तयशुदा होना चाहिए और स्टस्टिकल एनालिसिस एंड नॉम रेफरेंस कंपैरिजन तो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी हो और नाम रेफरेंस जो क्लास के साथ कंपैरिजन होता है उसको उसके लिहाज से भी इसको हम किया जा सकता है तो इसी तरह ये कुछ इस तस्वीर में भी आपको इसके करेक्ट्रिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट के उनको आप देख सकते हैं टेस्ट डिवेलपमेंट एंड डिज़ाइन आप ये जेहन में रखिए कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है बनाना इट्स नॉट ईजी जॉब इसको इदारे बना सकते हैं टीचर में टेस्ट जो है नॉर्मली वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते इदारा जो बनाएगा वो क्योंकि इस टेस्ट को हज़ारों की तादाद में आजमाया जाता है फिर इसको स्टैंडर्डाइज क्लियर किया जाता है तो इस्टेबलिश टेस्ट ऑबजेक्टिव एंड कॉन्टेंट इसके ऑबजेक्टिवस बनाए जाते हैं और कॉन्टेंट किए जाते हैं आइटम डिवेलपमेंट एंड आइटम एनालिसिस इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर और जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है उसके भी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और पायलट टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट तो इसको आज़माने से पहले यानी इसको फ़ाइनल करने से पहले इसकी पायलट टेस्टिंग की जाती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स तो आ, इसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए स्कोरिंग मेथड्स क्या हैं इसमें मशीन हो सकते हैं मशीन से ह्यूमन स्कोरिंग या कम्बाइन भी हो सकते हैं ये एन या इस तरह के जो जदारे हैं आ, वो या एम के जो टेस्ट होते हैं ये मशीन स्कोरिंग होती है और यह कम्बाइन थोड़ा थोड़ी मकदार में अगर लोगों का टेस्ट लिया जाए तो फिर ह्यूमन स्कोरिंग हो सकती है इन्श्योर रिलायबिलिटी इन वैलिटी इन स्कोरिंग तो स्कोरिंग में रिलायबिलिटी और वैल्टी को इन्श्योर किया जाए और इंटरपटेशन एंड रिपोर्टिंग को भी इंश्योर किया जाए स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इन एजुकेशनल इक्विटी इक्विटी जहन में रखें कि ये नीड बेस होती है इक्वलिटी से ये मुख्तफ़ कॉन्सेप्ट है Uh, इसमें ये होता है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी एक रेंज होती है तो उसमें लोग फिट हो जाते हैं उसमें uh, यानी हाईएस्ट लोएस्ट और मीडियल uh, जो uh, मिडल मीडियो मीडिया ये सारे तीनों आ जाते हैं तो वो फिर इस तरह के इक्विटी बेस ये हो जाता है अचीवमेंट गैप्स इन स्टैंडाइज टेस्ट परफॉर्मेंस तो अचीवमेंट गैप्स को एड्रेस करना और फेयरनेस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और ज़ुबान की जो डाइवर्सिटी या तनवू है उसको देखना है। टेस्ट में और डिज़ाइन और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी देखना स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉम रेफरेंस टेस्ट तो स्टैंडर्ड और नॉम रेफरेंस टेस्ट में थोड़ा फ़र्क ये है कि अ रेफरेंस ग्रुप एंड टेस्ट नॉर्म्स तो नॉम जो नॉम रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं उसमें एक नॉम ग्रुप टायन किया जाता है जिसको एक नॉम का दर्जा दे के उसके साथ उसमें रिज़ल्ट के स्टूडेंट्स के रिसर्च को रिज़ल्ट को कम्पेयर किया जाता है और परसेंटाइल रैंक्स उसमें देखे जाते हैं और अदर नॉर्म रेफरेंस स्कोर्स उनके देखे जाते हैं परसेंटेज या पोजिशन उसमें देखी जाती हैं और फिर इंटरपटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स उनको इंटरपटेशन की जाती है उनकी क्रिटिक एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इसकी क्रिटिक है इस पर आप वो क्या है कि पोटेंशियल बाइसिज एंड कल्चरल लिमिटेशंस तो इसमें बाइसनेस भी हो सकती है और कल्चरल लिमिटेशंस भी हो सकती हैं ओवर एम्फाइज ओवर एम्फिस ऑन मेमोराइजेशन तो रट्टे पर ये जोर दिया जा सकता है टेस्ट टेकिंग स्किल्स में और लिमिटेड असमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी तो ये लिमिटेड होती है असेसमेंट इसमें क्रिएटिव स्किल्स की और क्योंकि एम सी क्यूज टेस्ट भी हो सकते हैं ज़्यादा इसमें तो उससे फिर क्रिएटिविटी uh, की, uh, की आजमाइश नहीं हो सकती हाई स्टेक्स नेचर इंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस चूँकि असेसमेंट हाई स्केय स्टेक होती है जैसे जिसकी बेस पर डिसीजन मेकिंग होती है जैसे एडमिशन वगैरह और ये तो इस लिहाज से इसकी इसके नतज भी फिर उसने ही डेंजरस uh, हो सकते हैं फिर फ्यूचर ट्रेंड्स इन इनोवेशन तो इसके फ्यूचर ट्रेंड्स और इनोवेशन क्या हैं कि एडेप्टिव एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फिर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है और बैलेंस असेसमेंट अप्रोच उसमें यह हो सकता है कि मिला कर कम्बाइन किस्म की कर दी जाए टेक्नोलॉजी बेस भी और ह्यूमन बेस भी और प्रायोरिटी पर्सनलाइज एंड कम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट तो इंडिविजुअली पर्सनलाइज भी और कम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट तो ये था स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की तफसील के साथ मैंने आपसे बात बात की इस मॉड्यूल में